हाँ जी, मैं चमन लाल मेडिकल से लकी। ये आपका समा। डिंपल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को लगा मानो वो कोई डरावना सपना तो नहीं देख रहा। ये डिंपल इस हाल में, इस होटल में किसके साथ है? ये क्या होने वाला है लकी के साथ? तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? डिंपल, बात का जवाब दो, मेरे सवाल को घुमाओ मत। अच्छा, अब मैं तेरे को जवाब दूँ? मैं अपने पापा को जवाब नहीं देती और अब मैं तेरे को जवाब देने लग जाऊंगी? डिंपल, मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा हूँ, तुम ना मेरे कॉल का जवाब दे रही हो, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। क्या ये सब क्या है? तुम किसके साथ हो यहाँ? तुझे क्या, मैं यहाँ किसी के साथ भी हूँ, क्या भी करूँ, कुछ भी करूँ? अरे, किसी से लड़ाई कर रही हो क्या? ओह, ये चिकना चेहरा कहीं देखा दिखाया नहीं लग रहा? ओ डिंपल, तुमने मुझे बताया नहीं कि हमारा रोमांस देखने के लिए तुमने लाइव लकी जैसी ऑडियंस बुला रखी। राहुल, तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा दोस्तों के मेरी पीठ पे वार करता है, शर्म कर साले। शर्म तुझे आ रही है? बॉयफ्रेंड है मेरा, उसको छू मत। बॉयफ्रेंड? राहुल, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तू तो कहती थी सिर्फ अच्छा दोस्त है ना? तेरा मेरा ब्रेकअप। बेचारा लकी। पर लकी देख, मैं तेरे बारे में कितना सोचता हूँ। अरे, ये पागल तो कह रही थी कि फोन पर ही ब्रेकअप कर लेती, मैसेज पर ही ब्रेकअप कर लेती, पर मैंने कहा नहीं। अरे, एक आखिरी बार तो तुम्हारा बनता है ना मिलना। सो कुछ नहीं, मैंने तुझे उस टाइम पे कॉल किया जब डिलीवरी देने सिर्फ तू आ सकती। और ये रब ने बना दी वाली जोड़ी अपनी आंखों से देख सके। सो कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब तुम दोनों ने मुझे यार जान पूछ के। अरे, वो सामान तो दे दे, अभी जरूरत पड़ने वाली है। सिंपल, मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं बाइक भी लेने वाला हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, कितने तक की आती है बाइक? 80,000, 1,00,000? चल, तूने अपनी हैसियत के हिसाब से 50,000 की बाइक भी ले। कितना कमाता है तू? 8,000 की सैलरी से तू खाएगा क्या, बचाएगा क्या और मुझे घुमाएगा क्या? तेरे जेब में ना पेट्रोल भरने तक के भी पैसे नहीं है और बाइक की बात कर रहे हैं। लोग ना हंसते हैं मेरे पे जब मैं तेरे साथ घूमती हूँ। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है लकी, जहाँ मेरे को जीने से पहले दो बार सोचना पड़े। तुझे तेरी गरीबी मुबारक हो, और वैसे भी मेरी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए ना राहुल है। सही कहा बेटी, हर जरूरत। डिंपल, जो तुम कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। तुम इस राहुल की असलियत को जानती नहीं हो। सब पता है मुझे, और ये चीज ना तू भूल मत, तू जिस आलिशान कॉलेज में पढ़ रहा है ना, वो राहुल के पापा का ही। और आज तो मैं अच्छा इंसान हूँ, जो तू आज भी उस कॉलेज में पढ़ सकता है। पर दिमाग का क्या है ना, कभी भी खराब हो सकता है, और कब तू उस कॉलेज से बाहर हो जाए और दोबारा स्कॉलरशिप के दम पे तुझे एडमिशन फिर से मिले या ना मिले, मेरी जिंदगी का तो मैं देख लूंगा डिंपल। पर तुम अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचो। अरे, अपने पैसे तो लेता जा, मैं हर बार किसी का हक नहीं मारता। जवाब दो भगवान, और कितने सच लिखे
उस रात भगवान ने जवाब तो दिया पर एक मैसेज के रूप। यह मैसेज जो लकी के फोन पर आया था, जिस पे लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के फैसले के मुताबिक लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल ने गरीबी की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो जमीन और जायदाद का मालिक है जो उनके परिवार की। यह मैसेज क्या वाकई सच था या फिर किसी ने लकी के साथ कोई मजाक किया? कहीं इसके पीछे डिंपल और राहुल तो नहीं? और अगर यह सच है तो क्या गरीब लकी की कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है? ये जानने के लिए सुनिए इंस्टा मिलियनेयर का अगला एपिसोड, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।